हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। अब शालू ने भारतीय योग संस्थान ज्वाइन किया और रोज योगा जाने लगी है, तो वहीं से मेरी योगा की शुरुआत हुई थी। बैठना मुश्किल था, इन्हेलर लेके मैं योगा जाती थी, वहाँ बैठना भी नहीं होता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं बीच बीच में उठ के, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था। मैंने आपको बताया था कि वेट 80 kg हो गया था और बहुत भारी शरीर, सांस लेने में तकलीफ, इस और ऐसे हालात में योगा मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद योगा करते 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 टाइम बीतता जा रहा था और हेल्थ में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। उसके बाद फिर और दवाई भी चल रही थी, इनहेलर भी था और योगा भी था, तो योगा से कुछ हद तक मेरे शरीर में धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा। उसके बाद यहाँ करुणा की एंगेजमेंट हो गई थी 2005 में और फिर उसकी शादी की तैयारी हो गई और बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से उन्होंने कारवार में, वो प्रॉपर कारवार के हैं, बानावालीकर फैमिली है, और वहाँ शादी हो गई कारवार में। उन्होंने अपने, वो कोंकणी लोग हैं, तो कोंकणी लोगों का जो रीत रिवाज है, ऐसे तरीके से उन्होंने कारवार में शादी की। तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अच्छे से और ट्रेडिशनल वे में शादी हो गई। उसके बाद हमने 2-3 दिन बाद 19 तारीख को फिर हमने यहाँ धारवाड़ में रिसेप्शन रखा था और उस रिसेप्शन में गवर्नर, कर्नाटका के गवर्नर चतुर्वेदी जी थे और उनके द्वारा हमने वो रिसेप्शन किया और उन्होंने भी स्टेज पे उन दोनों को आशीर्वाद दिया। प्रॉपर आशीर्वाद दे के शादी रिसेप्शन हो गया उनका, तो बहुत ही ग्रैंड, एकदम बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ आए थे और सबके आशीर्वाद से बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंट और बहुत लोग, जो माने हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े पोस्ट में जो भी है, सारे रिलेटिव्स हैं, सब लोग आए थे और बहुत अच्छे से और वो पूरा हो गया, रिसेप्शन पूरा हो गया। तो बहुत ही खुशी की बात थी, बहुत ऐसा फंक्शन और कहीं नहीं हुआ। उसमें संगीत का प्रोग्राम भी रखा था, उसमें करुणा प्रशांत ने भी गाना गाया था, उसमें राम कुमार शिंदे जी का भी गायन था, उसमें हमारे विनय शिंदे जी ने भी गाना गाया था, हमारे दामाद है, वो भी सिंगर है, तो बहुत जो भी हमारे इसमें सिंगर्स है, गीता है, तो गीता शिंदे है, तो बहुत सारे लोगों ने मिलके एक प्रोग्राम तैयार किया था और सबने बहुत अच्छे से उसकी शादी हो गई। तो अभी सारे बच्चों की शादी हो गई, करुणा लास्ट थी, बहुत दिनों तक हमारे साथ रही, उसके सारे फ्रेंड्स भी थोड़ा दुखी हो गए कि करुणा चली गई। उसकी क्लोज फ्रेंड अनीता है, उस दिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, अनीता है, पवन है, राजकुमार है और भी सोमेश है, तो ये सारा ग्रुप भी उसके उसमें मौजूद थे। तो बहुत ही दुख के साथ, क्योंकि उसका अटैचमेंट हमारे घर में ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद 2007 में उसकी शादी हो गई और 2005 या 2006 में हमारी सोनिया को बेटा भी हुआ और इन्हीं दिनों में करुणा ने बहुत सबकी सेवा की। उसके बाद हार्ट अटैक इनको हो गया था, तो इनका भी हार्ट का ऑपरेशन हो गया था और हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद करुणा ने, मैं भी वर्किंग थी, घर का काम, वर्किंग और फिर इनका हॉस्पिटल में आना जाना और घर में बहुत सारा इनकी सेवा, हार्ट ऑपरेशन के बाद जो भी करना था सब करुणा ने बहुत ही हमारे साथ
वो किया है। तो जो छोटी लड़की भी थी और इसका हमारे साथ ज़्यादा अटैचमेंट था, करुणा को मेरे हस्बैंड हमेशा करुणा री करके बुलाते थे, कभी उसको करुणा करके आवाज़ नहीं दी, जैसे जी लगा के, हिंदी में जैसे जी लगाते हैं ऐसे कन्नड़ में री लगाते हैं, तो करुणा जी ऐसे करके उसको बुलाते थे। और वही बाकी लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया, अभी जो भी उसके भाई है, स्वरूप है और आनंद है, सब करुणा री करके बुलाते हैं। किसी ने ये भी कहा कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपकी माँ है, मतलब माँ जिस तरीके से बच्चों को देखती है इस तरीके से उसने अपने फादर की उस समय सेवा की। तो है, स्वभाव उसका बहुत अलग सा है, डेडिकेशन बहुत है, प्यार बहुत है, जैसा नाम है और जैसा उसका स्वभाव था ऐसे प्रशांत भी उसको मिल गया और दोनों मतलब हैप्पी है। प्रशांत भी अच्छे घर का खानदानी और संगीत परिवार का है, घर में बहुत अच्छा ट्रेडिशनल और सब रिलीजियस लोग हैं, बहुत ही उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, पापा उसके पहले ही गुजर गए थे, तो सब अच्छा हो गया। अब शालू के परिवार में शालू और फिर बहुएं आ गई थी, तो बेटियों की सबकी शादी हो गई, दामाद सब अच्छे मिल गए, मेरी हेल्थ भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लग गई। और फिर 2007 में हम लोग, मेरे दामाद जी जो है विनय, वो लंदन में थे, मोनालिसा और विनय दोनों उस समय लंदन में थे, तो उन्होंने बोला कि पापा मम्मी के साथ, पापा मम्मी और मोना के पापा मम्मी और विनय के पापा मम्मी, तो चारों का उसने मतलब बोला कि आप आ जाओ। तो लंदन में वो लोग, वहीं पे उसकी जॉब थी और वहीं पे मतलब कुछ साल, 5-6 साल वो लोग वहीं थे बच्चों के साथ, तो उन्होंने बोला कि पापा मम्मी आप भी आ जाओ तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो फिर पासपोर्ट वगैरह सब बन गया और विनय हमारे दामाद वहाँ थे, इसलिए हमें एक किस्मत में फॉरेन जाने का भी मौका मिला। तो उसके बाद वो दोनों और हम दोनों, चारों लोग हम 2007 में लंदन चले गए। तो बहुत ही एक अलग सा वो था एक्सपीरियंस, फॉरेन जाना मतलब ही एक बहुत बड़ी बात थी। उससे पहले मेरे पति चले गए थे क्योंकि इनके भाई पेरिस में थे, तो वो लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड सब पूरा यूरोप घूम के आए थे। लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम था जाना, फर्स्ट टाइम था, और हम चारों लोग लंदन गए, वहाँ हमने 3-4 महीने हम वहाँ रहे और पूरा यूरोप टूर किया। और विनय की वजह से हम लोग, हमारे दामाद की वजह से हम लोग लंदन देख पाए, नहीं तो वैसे तो कोई जा नहीं पाता, वैसे 8 दिन घूम के आ जाओ वो बात अलग है, लेकिन बहुत दिन तक हमें वहाँ रहने का मौका मिला। उसने हमारी बहुत केयर की और सब जगह उसने घूम फिर के हमको सब दिखाया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ उसने हमारी सेवा की। मोना भी बहुत खुश हो गई कि मम्मी पापा आए हैं, तो हम सब मिल के इकट्ठे घूमने चले जाते थे। और वो पीरियड जो है ज़िंदगी में मैं कभी भूलूंगी नहीं, क्योंकि इसलिए ऐसे दामाद मुझे एक से एक बढ़िया दामाद मिले और उनकी वजह से मैं, हम लोग बहुत खुश रहे। तो विनय को तभी भी मैंने थैंक्स बोला था, आज फिर मैं उस बात को रिपीट कर रही हूँ और विनय का मैं हृदय से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ देखिए लाइफ में नहीं होती है, हम सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन दामाद की वजह से हम चले गए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी,
तो शालू पूरा तैयारी के साथ लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड और पूरा यूरोप इतना हैप्पीली और इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय हमने हनीमून में भी नहीं किया था। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि ये दोनों तो ऐसे कर रहे जैसे हनीमून पे आए हैं, लेकिन बहुत ही एंजॉय किया, वाकई में एंजॉय किया। हर एक पल को और हर एक जगह को हमने बहुत एंजॉय किया। वो पल मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पल था और उसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। तो इसके आगे और भी बातें हैं, मैं आपको फिर कल शेयर करूँगी। और तब तक के लिए शालू का नमस्कार और सबका धन्यवाद। आप दादी माँ का बचपन देखते रहिए और मुझे भी आपके सामने मेरी बात रखने का एक मौका मिला है, तो आप ज़रूर एंजॉय करें। और मेरे से कुछ सीखने लायक है वो बात भी मैं आपको बताऊंगी, तो ज़रूर मेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।